न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जीरो लाइन भारत पाकिस्तान सीमा गुजरात सेक्टर की है और कच्छ हरामी नाम नाला ये इलाका है। और देखिए आप वो रेड फ्लैग देख सकते हैं, उसके उधर पाकिस्तान की सीमा है और ठीक यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है और गृहमंत्री अमित शाह इस समुद्री जल सुरक्षा का जो पूरा प्रबंधन है उसका मुआयना गृहमंत्री अमित शाह करने यहाँ पर आए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस विषम परिस्थितियों में भारत का झंडा बुलंद किए। यह बीएसएफ की विशिष्ट जल सुरक्षा टीम है, ये जो हमारे तटों की सुरक्षा करती है। और ये जो पूरी कोस्टल लाइन है, पूरी का पूरा तट है, क्या अहमियत है, हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए पूरा लाइन ये कितना लंबा है? ये पूरा बॉर्डर तो सर पूरे इंडिया का लगा हुआ है, पाकिस्तान से काफ़ी लंबा है। इधर से यहाँ क्रीक इलाका है, ज़्यादा लंबा करीब 50 किलोमीटर के करीब क्रीक इलाका है। इसके बाद रोड शुरू हो जाता है हमारा। जब आप लोग यहाँ पर सुरक्षा करते हैं तो अपने कैमरा पर्सन अनूप से कहूँ कि लगातार वो तस्वीरें दिखाते रहें। आप लोग जब ये सुरक्षा करते हैं तो मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं? एक तो सबसे पहले वेदर बहुत ख़राब है इधर का सर, उस पर से जैसे ज्वार भाटा है, क्रीक है, दलदल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे यही आती हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम। मूरिंग प्लेस का जो उद्घाटन किया है, आधारशिला रखी है गृहमंत्री ने, उससे आपकी वाटर विंग किस तरीके से मजबूत बनेगी? उससे काफ़ी मजबूत बनेगी सर, क्योंकि एक तो बेस बन जाएगा अच्छा और वहाँ पर कैंप अच्छी जगह से बन सकता है, वहाँ से फ्लोटिंग वगैरह हमारी अच्छी से जा सकती है, वहाँ से अच्छे से ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी कैसा वेदर है? देखिए शिप तो बहुत ज़्यादा हिल रही है। ये अभी वेदर है, हवा थोड़ी तेज़ चल रही है अभी काफ़ी दिन से, इतना नहीं है लेकिन चलता रहता है ऐसा, कंटिन्यू है ऐसा लगता है। तो देखिए यहाँ हम खड़े भी नहीं हो सकते, लगातार ये हवा हिल रही है। भारत का झंडा बुलंद किए हुए ये बीएसएफ की पेट्रोलिंग बोट लगातार भारतीय जल सुरक्षा में लगी रहती हैं। 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा का इलाका है, देखिए कितनी विषम परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर। और गृहमंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर आए हैं और यहाँ का जो मुआयना करने। सर ये बताइए कि यहाँ पर अभी आप लोग यहाँ पर तैनात हैं, अन्य जो जो थ्रेट पर्सपेक्टिव क्या क्या होते हैं यहाँ के? अभी सर क्या है यहाँ पे, जैसे कि ये एरिया है, यहाँ नमक पानी का थोड़ा नमक की मात्रा ज़्यादा, परसेंटेज ज़्यादा है, तो नमक पानी की वजह से यहाँ पे और क्या, यहाँ हवा वेदर हवा की स्पीड ज़्यादा रहती है, तो हवा की वजह से अपना ओपन की वजह से यहाँ पे लहरें ज़्यादा उठती हैं। तो क्या हमारे पास बोटें इतनी अच्छी अच्छी बोटें हैं, तो क्या है उससे हम पेट्रोलिंग करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम तो यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं सर। नहीं सर, आप तो अभी क्या, मेरा तो ये डेली का सर है कि हमें कुछ जाना है, हमें जिस जगह जाना है, पेट्रोलिंग जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमारे पास छोटा बोट है, इससे बड़ा बोट है हमारे पास, मीडियम है, मैकेनाइज है, फ्लोटिंग है, एफएसी है। वो लाल झंडा हम देख रहे हैं सर, वो लाल झंडा क्या है? हाँ लाल झंडा वो सर हमारा क्या है, यहाँ से जो लाल झंडा दिख रहा है उसके 200 मीटर आगे से हमारा यानी कि काउंटर पार्ट देश यानी कि पाकिस्तान का एरिया स्टार्ट हो जाता है, वो जो आप देख रहे हैं सर। तो ये भारत पाकिस्तान की सीमा का की इलाके की ये दुर्लभ तस्वीरें हैं बीएसएफ पेट्रोलिंग बोट के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये खास तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जल सुरक्षा प्रबंधन मरीन कमांडोज जो होते हैं बीएसएफ के खास कमांडोज वो होते हैं। देखिए एकाएक यहाँ पर जो नाव है वो लहरों की वजह से इधर उधर होती जा रही है, बावजूद इसके हम हमारे कैमरा पर्सन अनूप इन विषम परिस्थितियों में हम आपको ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने की कोशिश करें। देखिए ये लहरें देखिए किस तरीके से ऊपर नीचे यहाँ पर हो रही हैं और खड़े होना, बैलेंस करना इसमें आसान काम नहीं है। बावजूद इसके हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आई हुई है और जल सुरक्षा प्रबंधन में जो जिसका मुआयना खुद गृहमंत्री अमित शाह करने आए हैं, वो यहाँ पर बोट पेट्रोलिंग की टीम का को नई सौगात देंगे। इसके अलावा कई जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं उनका भी आधारशिला रखेंगे। इन जो नाव की मेंटेनेंस होती है उनको बेहतर तरीके से किया जाए, इसलिए मूरिंग प्लेस का पूरा आधारशिला रखा है। कैमरा पर्सन अनूप इन लहरों के जो जो लहरों की फ्रीक्वेंसी है, उतार चढ़ाव है,
उसके बावजूद इसके अपना बैलेंस ये बनाए हुए हैं, तो हम ये ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे। असल में ये क्रीक इलाका है, तो जो लहरों की ऊंच नीच होती है बहुत ज़्यादा होती है सर, ऐसे में जब ये ऊंच नीच होती है तो हमें एहतियात क्या बरतनी चाहिए? बोट में जैसे सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट पहन के रखना चाहिए हमेशा, और हमेशा बैठ के चलें, जैसे ज़्यादा हवा है तो लहरों को साथ चलना पड़ता है, हिसाब से बोट को सेफ्टी से चलाना पड़ता है। सर अच्छा, उधर वो जो लाल झंडा है, पाकिस्तान की तरफ से किस किस तरीके की खुराफात करने की कोशिश की जाती है? सर क्या है, वो मच्छी वाले आते हैं मच्छी पकड़ने के लिए, पहले आते थे, अब लोग तो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं तो अभी वो नहीं आते हैं। जो मछुआरा लोग पार्टी है वो मच्छी अच्छी के लिए आते थे, लेकिन फिलहाल अभी कोई नहीं आता है। हम लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग गश्त करते रहते तो यहाँ पे अभी कोई नहीं आता। सर ये लहरें तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही हैं। लहरें 3 से 3.5 फीट 4 फीट तक की लहर जाती है यहाँ पे, अगर वेदर ख़राब होने से बहुत लहर जाता है। अभी देख ही रहे हो आप, देखो पीछे कितना बड़ा बड़ा लहर चल रहा है। लहरों पे हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, ड्यूटी करते हैं, दिन हो या रात परमानेंट यहाँ पे हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, 3 से 4 फीट ऊंची उठती हुई लहरें हैं, और इसके बीच में न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव यह रिपोर्ट है। जल प्रबंधन किस तरीके से होता है, जल सुरक्षा किस तरीके से भारत पाकिस्तान सीमा पर होती है, भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF करता है और खुद गृहमंत्री अमित शाह उसका मुआयना करने आए हैं, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई ठीक पाकिस्तान सीमा के पास से। कैमरा पर्सन अनूप भी हैं हमारे साथ, और ये जो लहरें हैं इन खतरनाक परिस्थितियों के बीच में हम ये पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। नमक के पानी के बीच में किस तरीके से BSF के जवान हमारे समुद्री सीमा की रक्षा करते हैं, देखिए इसका पूरा नज़ारा देखिए। ये वाटर पेट्रोलिंग हो रही है, और वाटर पेट्रोलिंग पर जो जवान हैं, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए आ रही है कि सामने जो लहरें हैं, लहरें बोट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो सीधा सीधा जो पानी होता है इनको ये बोट के ऊपर आता है, और इन लोगों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। एक एक लहर की ऊंचाई को देखते हुए परखते हुए एक तो अपने जान की हिफाजत करनी है, और दूसरा भारत के सरहदों की सुरक्षा करनी है। सर ये बताइए अपोजिट डायरेक्शन में ये लहर आ रही है। सर अगर लहर आता है तो हमारा काम होता है कि किसी तरीके से लहर को काटना है, अगर लहर को नहीं काटेंगे तो बोट हमारा क्या खतरे में हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं लहर को देखते हैं, लहर को देख से उसी हिसाब से हमको बोट को चलाना पड़ता है। तो क्योंकि इसमें तो 3-3 फीट की 4-4 फीट की लहर आती, तो काफ़ी सी लहर क्या है हमारे बोट के ऊपर पानी निकलता है, जिससे कि हमारा पूरा हम लोग पूरा एकदम नमक पानी से गीला हो जाते हैं। तो अभी भी तो आप पूरे ये गीले हैं, तो देखा सर अभी तो पूरा आप भी गीले हो गए, हम भी गीले हो गए। तो देखिए हम भी इस वक्त पूरी तरीके से, हम और हमारे कैमरा पर्सन अनूप हैं वो गीले हो चुके हैं, और इस तरीके से नमक का पानी जो है वह हमारे ऊपर पूरा जमा हो चुका है, और हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमसे कई गुना ज़्यादा ये जवान हैं जो रोज़ इस नमकीन पानी को यह झेलते हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए अभी ये मौसम की परिस्थिति क्या है? अभी तो मौसम नॉर्मल है, लेकिन इधर 6 महीने हवाएँ तेज चलती हैं, मार्च से स्टार्ट हो जाता है, मार्च से और अगस्त सितंबर तक हवाएं तेज चलती हैं, उसी टाइम में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मछुआरे जो हैं ज़्यादा हाई टाइड और लो टाइड के तरीके से, जैसे लो टाइड ज़्यादा होता है तो भी ये घुसने की कोशिश करते हैं और हाई टाइड में निकलने की कोशिश करते हैं। ये बताइए मछुआरे पाकिस्तान की ओर से आते हैं तो क्या नुकसान पहुँचाते हैं? वो नुकसान कुछ नहीं है, अगर उनसे खतरा भी हो सकता है, कोई मिलिटेंट वगैरह भी आ सकता है, अभी इसीलिए हमें पूरा ध्यान से देखना पड़ता है, पेट्रोलिंग करनी पड़ती है इलाके की अच्छे से। पिछले 1-2 सालों में कुछ महत्वपूर्ण कुछ खतरनाक वारदातें अटेम्प्ट हुए हैं पाकिस्तान की ओर से? नहीं कोई मिलिटेंट वाला नहीं हुआ, लेकिन मछुआरे बहुत बार आते हैं, मछुआरों की बोटें पकड़ी भी गई हैं, मछुआरे भी पकड़े गए हैं कई बार, मतलब ज़्यादा अंदर गलती से भी आ जाते हैं कभी कभी। देखिए ये एकाएक ये पानी आता है और हमारे ऊपर भी आ गया है, लेकिन बावजूद इसके हम आपको ये परिस्थिति कैसी होती है हम आपको ये बता रहे हैं, और मछुआरों के भी जो की आड़ में पाकिस्तान आतंक फैलाने की भी इस पूरी सीमा से कोशिश कर रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उनको उन मछुआरों को पकड़ते कैसे आप? पकड़ा वैसे ही, अपनी स्पीड बोट हैं, पेट्रोलिंग पार्टी घूमती रहती हैं, अपने हमारे ओपी पॉइंट हैं हर जगह पे, नाइट के लिए नाइट विजन है, बाइनोकुलर हैं, जैसे उनको देख के तो एक अलग अलग मैकेनिज्म यहाँ पर डेवलप हुए हैं। फिलहाल हालात यही है कि
जो लहर है, लहर की विपरीत दिशा में यह बोट यहाँ पर चल रही है भारत पाकिस्तान सीमा पर। गृहमंत्री अमित शाह इस सीमा का यहाँ का मुआयना करने आए हैं और कई नई सौगात यहाँ पर दिया है। ऐसी बोट्स, ऐसे रास्ते बेहतर तरीके से मेंटेन्ड हो, यही कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अमित पांडे, लाइन ऑफ कच्छ, भारत पाकिस्तान सीमा, गुजरात सेक्टर, न्यूज़ 18 इंडिया।